अच्छा कमेंट करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक कंफ्यूज हो कि हम अपने बेस मेकअप में सबसे पहले क्या लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, प्राइमर लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं कि कंसीलर लगाएं, क्या लगाएं। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि हम अपने बेस मेकअप में सबसे पहले क्या लगाएं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक देखो, आपको ज़रूर पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को भी दबा लो जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने स्किन को प्रिपेयर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है, नहीं टाइम है तो आपको किसी वेट वाइप्स को लेना है और अपने स्किन को क्लीन कर लेना है। आप इस तरीके से एक वेट वाइप्स लीजिए और आपके स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा डर्ट होंगे, ऑयल होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो फेस है वो एकदम क्लीन सरफेस होगा, जहाँ पे हमें मेकअप अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सो हमने यहाँ पे क्लीन कर लिया है अपना फेस। अब हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र, बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम ऑयली स्किन है तो अप्लाई करें कि नहीं। अप्लाई करना है आपको, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टाइप हो, आप अपने स्किन टाइप के अनुसार कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो जो आपके स्किन टाइप के अनुसार हो। तो यहाँ पे आपको मसाज करना है अपने स्किन को मॉइस्चराइजर से एटलीस्ट 1 मिनट तक। नहीं टाइम है तो आप जल्दी से भी अप्लाई कर सकते हो, बट अप्लीकेशन के बाद एटलीस्ट 1 मिनट तक आपको अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ना होगा मॉइस्चराइजर। इससे क्या होगा कि आप तुरंत तुरंत अप्लाई करोगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और रिएक्शन कर जाएंगे। तो आप मेक श्योर करो कि जब भी आप स्किन केयर फॉलो करो तो उसके बाद एटलीस्ट 1 मिनट या 2 मिनट तक आप अपने स्किन को उसी तरीके से छोड़ दो। और अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो तो आप ध्यान दो कि आप साथ ही साथ मसाज भी कर लो, इससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपकी स्किन अच्छे से रेडिएंट हो जाएगी, ग्लो करेगी अंदर ही अंदर। सो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी इसी तरीके से एब्जॉर्ब होने के लिए, जिससे कि जो भी गुडनेस है हमारी वो अंदर हमारे स्किन में चली जाए। अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर भी मेकअप का बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर हम प्राइमर अप्लाई करेंगे ना तो हमारी जो स्किन में जो ऑयल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा, हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना तो एकदम बटर की तरह अप्लाई हो जाएगा। सो बेसिकली हम प्राइमर को कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम पी साइज़ का अमाउंट लेंगे। बहुत ज़्यादा प्राइमर अप्लाई नहीं करना है, उसको अपने फिंगर्स के बीच में वार्म अप करेंगे और उसको डैब करते हुए जहाँ पे हमारा ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन हो तो आप अपने पूरे फेस में ज़रूर अप्लाई करें, एंड मेक श्योर कि आपका जो प्राइमर हो वो सिलिकन बेस हो। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना फाउंडेशन। आप किसी भी टाइप का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको ढेर सारा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है एक बार में। मेक श्योर कि आप डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करो फाउंडेशन। और ये भी ध्यान में रखो कि अगर आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो एक साथ सारी जगह अप्लाई मत करो, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके बिल्ड करो। बट ये मेरा लिक्विड फाउंडेशन है और ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता, तो ये बिल्ड करने में अच्छा होता है। ये मेबलिन का लिक्विड फाउंडेशन है, फिट मी फाउंडेशन, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपना थंबनेल बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और देख सकते हैं आप, मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है और अच्छे से स्प्रेड कर लिया डॉट डॉट करके। एंड अब हम यूज़ करेंगे अपना ब्यूटी ब्लेंडर। अब ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के लिए मैंने इसको पहले से ही पानी में भिगो के रख दिया था, यू कैन सी। अब इसका जितना भी वाटर है उसको मैं निचोड़ लूँगी इस तरीके से अच्छे से। आपको वाटर के साथ साथ नहीं लगाना है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर भीगा होना चाहिए बट एकदम से भीगा नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको वो करके सुखा लिया है। अब हम इसको डैब डैब मोशन में, यू कैन सी, मैं बिल्कुल भी ड्रैग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ही डैब डैब मोशन में इसको करूँगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो फाउंडेशन है ना वो अच्छे से हमारे स्किन में स्टिक हो जाएगा। ड्रैग करोगे तो हट जाएगा फाउंडेशन उस जगह से। यू कैन सी मैं इसी वाले मोशन में पूरा डैब डैब करते हुए करूँगी और कितने अच्छे से स्टिक हो जा रहा है आप देख सकते हो। मैंने इसको जूम भी कर दिया है तो आप देख सकते हो इसी वाले मोशन में, जैसे जैसे मैं डैब डैब कर रही हूँ, मैं स्लो मोशन में भी करके दिखा रही हूँ आपको। आपको सेम इसी प्रोसेस से अप्लाई करना है,
ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप चाहो तो कोई भी फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करो तो आप इसी तरीके से अप्लाई करो एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट आपका बेस अगर परफेक्ट हो गया ना तो आपका मेकअप परफेक्ट होगा ही। आप पूरे फेस पे आप इसी तरीके से डैब डैब मोशन में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4x की स्पीड कर दी है जिससे कि आपको मैं दिखा सकूँ कि मैंने अपने पूरे स्किन में सिर्फ डैब डैब मोशन करते हुए ही पूरा अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया है। यू कैन सी बिल्कुल भी मैंने ड्रैग नहीं किया है। आपको फास्ट फॉरवर्ड में भी समझ में आ रहा होगा कि मैं सिर्फ डैब डैब कर रही हूँ, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं कर रही हूँ। ड्रैग आप एक जगह कर सकते हो आपको जहाँ पे कम फाउंडेशन की ज़रूरत हो जाए, लाइक आप अपने नेक एरिया पे ड्रैग करते हुए लगा सकते हो जिससे कि जो भी फाउंडेशन बचा हुआ है वो वेस्ट ना हो और आपके नेक पे भी अप्लाई करें। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो होता है कंसीलर। फाउंडेशन के बाद आप कंसीलर अप्लाई करें, इससे क्या होगा कि आपका जो भी एरिया हाइलाइटिंग के लिए ज़रूरी होगा ना, वहाँ पर आप हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हो के कंसीलर को। अगर आपके फेस में कोई भी एक्स्ट्रा दाग धब्बे नहीं हो, कुछ भी चीज़ें हाइड करने के लिए ना हो, तो आप अपने फेस को एक लाइट कंसीलर के हेल्प से हाईलाइट करोगे। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट लिक्विड कंसीलर है, बहुत ज़्यादा बटरी सॉफ्ट फॉर्मूला है। एंड पहले क्या होता था कि हम ट्राइंगुलर शेप में अप्लाई करते थे, एकदम परफेक्ट ट्राइंगुलर शेप में अप्लाई करते थे अपना कंसीलर। बट यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, लाइक मेरे आईज़ के कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, प्लस मैं अपने आईलिड को भी प्राइम करूंगी जिससे कि जो भी मैं आई शेडो अप्लाई करूँ तो उसका कलर बहुत ही अच्छे से पॉपअप होता है अगर आप अपने आईलिड को प्राइम करते हैं तो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ अपने आईज़ के नीचे, और मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने चिक बोन्स के ऊपर भी हाईलाइट करूंगी जिससे कि मेरे जो फीचर्स हैं वो अच्छे से निखर के आए। मैं अपने नोज़ पे भी यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी कंसीलर, इससे क्या होगा कि मेरे नोज़ के जो हाई पॉइंट्स हैं वो भी हाईलाइट हो जाएंगे, प्लस मेरे माउथ के अराउंड भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं मेरे जो मतलब पिगमेंटेड हो गए हैं एरियाज, वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी सेम कंसीलर, आप देख सकते हो। और मेरे नोज़ के अराउंड भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, और यहाँ पे मुझे फोरहेड पे भी थोड़ी सी ज़रूरत होती है हाइलाइटिंग के लिए, मतलब हाईलाइट करना मुझे पसंद है तो मैं वहाँ वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। और जस्ट सेम जैसे कि मैंने डैबिंग मोशन में अपना फाउंडेशन अप्लाई किया था, एकदम सेम टू सेम मैं उसी तरीके से इसको भी अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया पे मैंने अप्लाई किया, आप सेम इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपको जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा लग रही हो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो थोड़ा सा डार्क शेड का भी फाउंडेशन या अपने स्किन टाइप से मैचिंग का भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट शेड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इन एरियाज़ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं डैब डैब मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। प्लस कंसीलर के साथ ये भी होता है कि आप कंसीलर को अप्लाई करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो वो अच्छे से आपके स्किन पे के साथ ना ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो आपके स्किन का जो कलर होता है या आपके फाउंडेशन का जो कलर होता है उससे थोड़ा सा मैची मैची हो जाता है, आप देख सकते हो। और प्लस मैंने यहाँ पे लाइट कलर का यूज़ किया है कंसीलर, तो ये मेरे उन एरियाज़ को हाईलाइट भी अच्छे से कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपके फेस पे ब्लेंड होने के लिए, बट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। क्रीमी फॉर्मूला है ये वाला कंसीलर, आप ज़रूर ट्राई करना, मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, यू कैन सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत ही अच्छा है, इसका जो कोन वाला शेप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे छोटे छोटे एरियाज़ को ब्लेंड करने के लिए। और ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने Shein.com से परचेज़ किया था जो कि अब बंद हो गया है, एंड बहुत ही अच्छे से मैंने एटलीस्ट 2 ईयर्स से मैं यूज़ कर रही हूँ इसके। 3-4 का पैकेट आया था, मैंने सारे यूज़ कर लिए, 1 या 2 बचा होगा आई थिंक, तो मैं अभी तक वही यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से मैं इसको डैब डैब करते हुए आप एक साइड में देख सकते हो जहाँ पे मैंने कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर दिया है उस साइड में आप देख सकते हो, जिस साइड में ब्लेंड नहीं हुआ है आप उस साइड में भी देख सकते हो, आपको फ़र्क दिख जाएगा अच्छे से। सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे अपना कंसीलर ब्लेंड किया है। आप अपने आईज़ के नीचे जब आप ब्लेंड करते हो तो आप अपने आईज़ को ऊपर कर लो, अच्छे से आपका कंसीलर जो है वो ब्लेंड हो जाएगा।
तो प्राइमर एंड फाउंडेशन के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो कंसीलर का होता है। इससे हमारा कंसीलर का दो चीज़ होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा दाग धब्बे हैं वो छुप जाते हैं, प्लस आपका फेस जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो आपको कंसीलर इसलिए अप्लाई करना है। बहुत लोग कंसीलर स्टार्टिंग में भी अप्लाई करते हैं, बट मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ। सो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेकअप में, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए क्या वर्क करता है, बट एज अ बिगनर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मेरा बेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। अभी मैंने अपना बेस जो है वो सेट नहीं किया है, अब मैं नेक्स्ट जो स्टेप आपको बताऊँगी वो सेट भी करके बताऊँगी। सो सेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों ही फिटमी के लूज पाउडर हैं और एक कॉम्पैक्ट पाउडर है। ये मेरा वन ऑफ फेवरेट यू नो सेटिंग पाउडर्स हैं अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, तो मैं इन्हीं से अपने फेस को सेट करूँगी। मैं यहाँ पे एक पाउडर ब्रश ले रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं अपने आईज़ को पहले सेट करूँगी, जिससे कि कोई भी क्रीज ना हो मेरे आईज़ पे। तो आपको आईज़ में आईज़ को ज़रूर सेट करना है पाउडर से, जिससे कि उसका कोई भी क्रीज ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर आप कंसीलर अप्लाई करने के बाद अपने आईज़ को सेट नहीं करते हो तो वो क्रीज करने लगता है। और साथ ही साथ मैं अपने पूरे फेस को भी सेट करना पसंद करती हूँ मेकअप के सबसे पहले, मतलब कंसीलर अप्लाई करने के बाद। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मैं डस्ट आउट कर रही हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कवरेज नहीं चाहिए, कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छे से कवरेज भी देता है। तो मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर वाला यूज़ कर रही हूँ, वो उसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो सेट बहुत अच्छे से करता है एंड आपका जो बेस मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है सेट करने के बाद, और कोई भी क्रीज वगैरह नहीं होता है। नहीं तो आप अगर आप सेट नहीं करते हो तो आपका जो मेकअप है वो क्रीज करने लगता है, जहाँ जहाँ से आपको रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम है या आईज के पास यहाँ पे आपको क्रीज होने लगता है। सो यू कैन सी अभी मैंने सेट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इस तरीके से आप अगर बेस अप्लाई करते हो ना तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगने वाला है। सो गाइज अब मैं पूरा मेकअप करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि फुल रिजल्ट कैसा है। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस तरीके से बेस अप्लाई करते हो तो कैसा लगता है। दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप सबसे पहले क्या अप्लाई करो अपने बेस मेकअप में। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरी इयररिंग्स गिर गई है जब मैं ब्यूटी शॉर्ट्स ले रही थी, सो इग्नोर दैट। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा। आप इस तरह की और सारे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लस ये मेकअप लुक भी बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। We'll be right back.